अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुमने कभी ना कभी अपने लाइफ में टोनी कक्कर का गाना तो सुना ही होगा, और सुनने के बाद में भी तुम्हारे मन में एक ख्याल भी आया होगा कि ये क्या क्रिंज गाना है, ये कितना टट्टी गाना है, इसको गाना लिखते नहीं आता है, कुछ भी बना देता है, वगैरह वगैरह। और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम एक तरह से सही भी सोचते हो, क्योंकि टोनी कक्कर के सॉन्ग्स में मीनिंगफुलनेस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती है। वही घिसी पिटी बीट्स जो हम टोनी कक्कर के सॉन्ग्स में पिछले 5 सालों से सुनते आ रहे हैं, वही रिपीटेटिव वर्ड्स वाली लिरिक्स, वही नर्सरी की पोएम जैसी मेलोडीज, लेकिन फिर भी जब भी हम टोनी कक्कर के सॉन्ग्स को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि ऐसे क्रिंज सॉन्ग्स सुनता कौन है, ऐसे क्रिंज सॉन्ग्स पर इतने सारे व्यूज कैसे आ जाते हैं, टोनी कक्कर इतना फेमस क्यों है। हाँ तो भाइयों, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मेरा इंटेंशन टोनी कक्कर या उसके गानों को रोस्ट करके 2-4 गाली देने का बिल्कुल भी नहीं है। ये काम बाकी के यूट्यूबर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम धीमे धीमे और बूटी से जैसे सॉन्ग्स बनने और फेमस होने के पीछे के साइकोलॉजी को समझेंगे। तो फिर सुनो मेरी बात। मैंने माना कि टोनी कक्कर के सारे गाने ऑलमोस्ट एक जैसे ही साउंड करते हैं। हर गाने में स्पेनिश बीट होती है, वही सेम मेलोडी होती है, वही रिपीटेटिव वर्ड्स वाली लिरिक्स होती है, कुछ टिकटॉक स्टार्स और अच्छी दिखने वाली मॉडल्स होती है, लेकिन इन सबके पीछे भी एक इंटेंशन होता है, और वो इंटेंशन है पैसे कमाना। और पैसे कमाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना पैसे के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। टोनी कक्कर या टोनी कक्कर जैसे और भी आर्टिस्ट जो ऐसे लेम या क्रिंज सॉन्ग बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं ताकि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सके, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के टाइम में एंटरटेनमेंट इज टोटली फ्री। आज कोई भी सॉन्ग्स खरीद कर नहीं सुनता है। सॉन्ग्स तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो लोग मूवीज तक टोरेंट से डाउनलोड करके देखते हैं, और इसी वजह से आर्टिस्ट और म्यूजिक कंपनीज को ऐसे सॉन्ग्स बनाने पड़ते हैं जो उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ला कर दे। अब यहाँ पर एक और सवाल ये है कि हमेशा लेम या क्रिंज सॉन्ग ही ज्यादा क्यों चलते हैं, और अच्छे आर्टिस्ट हमेशा अंडररेटेड क्यों रहते हैं। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर दो टाइप के लिसनर्स होते हैं, पहले कैजुअल लिसनर्स और दूसरे एक्चुअल लिसनर्स। कैजुअल म्यूजिक लिसनर्स वो होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि सॉन्ग कैसा है, किसने गाया है, किसने बनाया है। ये लोग सिर्फ वही सॉन्ग सुनते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, जो सॉन्ग हर जगह पर बज रहा होता है, टिकटॉक इंस्टाग्राम रील वगैरह में चल रहा होता है। उनको इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सॉन्ग मीनिंगफुल है या नहीं है, सिंगर ने सच में गाया भी है या सिर्फ ऑटोट्यून का कमाल है। और सिंगर तो छोड़ो, इनको इतना भी नहीं पता होता है कि गाना किस बंदे ने गाया है। कई बार ये लोग सिर्फ इसलिए भी सॉन्ग सुनते हैं क्योंकि उसमें इनके फेवरेट टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। लेकिन कैजुअल म्यूजिक लिसनर से मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों का म्यूजिक टेस्ट खराब होता है। इनका काम ऐसा है कि जो भी सॉन्ग ट्रेंड में चल रहा होता है ये सिर्फ उसी सॉन्ग को सुनते हैं। अब दूसरे आते हैं हमारे एक्चुअल म्यूजिक लिसनर्स। जो एक्चुअल म्यूजिक लिसनर्स होते हैं वो सॉन्ग्स को इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि उस सॉन्ग को सब लोग सुन रहे होते हैं या वो सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा होता है। ये लोग सॉन्ग्स को इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये म्यूजिक से प्यार करते हैं। जिस आर्टिस्ट ने उस सॉन्ग को बनाया है उस आर्टिस्ट से प्यार करते हैं। ये लोग इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी सुनते हैं और पुराने जमाने के गाने भी सुनते हैं। बस गाना मीनिंगफुल और सेंसेबल होना चाहिए। बेसिकली ये उन लोगों का ग्रुप है जिनका म्यूजिक टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये लोग एकदम पेक्यूलर होते हैं, इन्हें पता होता है कि इन्हें किस टाइप का सॉन्ग सुनना है। लेकिन बुरी बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या हमारी कंट्री में बहुत कम है। कैजुअल म्यूजिक लिसनर और एक्चुअल म्यूजिक लिसनर में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि जो एक्चुअल म्यूजिक लिसनर होता है वो हर तरह के हर जॉनर के सॉन्ग सुनने के लिए ओपन होता है, बस इन्हें एक मीनिंगफुल सॉन्ग चाहिए। और जो कैजुअल म्यूजिक लिसनर होता है ये लोग सिर्फ वही सॉन्ग सुनते हैं जिसमें कैची बीट्स होती है, कैची लिरिक्स होती है। अगर ये कभी स्लो या रोमांटिक सॉन्ग को सुनते भी है तो सिर्फ इसीलिए सुनते हैं क्योंकि पूरी दुनिया उस सॉन्ग को सुन रही होती है, वरना इन्हें रोमांटिक या स्लो सॉन्ग बोरिंग लगते हैं। तो अब बात करते हैं टोनी कक्कर की। तो ऐसा है कि टोनी कक्कर जानबूझकर ऐसे सॉन्ग्स बनाता है जिसमें कैजुअल लिसनर्स इंगेज हो सके। और यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि टोनी कक्कर बहुत बुरा सिंगर है या बहुत बुरा कंपोजर है। एक्चुअली टोनी कक्कर इज अ वेरी स्मार्ट गाय। टोनी को पता है कि इंडिया में कौन सा सॉन्ग चलता है और कौन सा नहीं चलता है, और इसी कारण से वो अपने पुराने फॉर्मूले पर अभी तक स्टिक है कि एक कैची बीट बनाओ, रिलेटेबल और रिपीटेबल वर्ड्स वाली लिरिक्स लिखो, इजी गोइंग मेलोडी और हाई बजट म्यूजिक वीडियो बनाओ, सॉन्ग चल जाएगा। अब ऐसे भी कई आर्टिस्ट हैं जो आज के ट्रेंड के हिसाब से एडजस्ट नहीं होना चाहते हैं, वो अभी भी वही सॉन्ग्स बनाते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं, जिस वजह से ऐसे आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम सीन में कभी भी नहीं आ पाते हैं। सो इन द एंड हमें यही पता चलता है कि इंडिया में एक्चुअल लिसनर से ज्यादा कैजुअल लिसनर्स है, और इन्हीं कैजुअल लिसनर्स की वजह से टोनी कक्कर जैसे आर्टिस्ट फेमस है और बूटी शेक जैसे सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में चलते हैं। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस
वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना भूलना मत, और कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे ना, कि वो भी मुझे बताना पड़ेगा।